हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। आप सभी को गुड इवनिंग सबसे पहले तो। और कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी, फटाफट से बताएं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि जैसे NaCl की FCC टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे वॉइड्स कहाँ पे होता है ना, वॉइड्स में कौन सा एटम प्रेजेंट होता है। तो ये सारा डिस्कशन का टॉपिक मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। अब देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जैम में नहीं मिला है कि अगर आप कहो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हालांकि और NSC एंट्रेंस में पूछा जाता है, जैम में तो नहीं पूछा अभी तक। अगर मैं लास्ट 2014 से 2020 तक की बात करूं तो कभी क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ब्रेक्स लॉ जो है आपका, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वहां पे इस टॉपिक का थोड़ा सा यूज करवाया जा रहा है। हालांकि मैं तो आपको काफी एडवांस लेवल की चीजें ही पढ़ाऊंगा ताकि आपके आगे के टॉपिक भी कवर हो। तो भाई टॉपिक का नाम है मिलर इंडिसेस। देखिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली मिलर इंडिसेस की बात करेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो देखिए, आजकल मैं सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बताऊं कि अगर मैं नेट और गेट की भी बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, है ना, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं कि आपको एक जो है क्यूबिक सिस्टम दे देंगे, या क्यूबिक के अलावा कोई भी आपको एक क्रिस्टल सिस्टम दे देंगे, वहां पे आपको एक प्लेन मेंशन कर देंगे, है ना। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, एक प्लेन दे देंगे और बोलेंगे कि इस प्लेन में एक पर्टिकुलर प्लेन आपको दिखा मिलेगा। मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिखा देता हूं क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ये एक जो है, मतलब ये तो टेट्रागोनल टाइप का सिस्टम है ना, क्यूबिक सिस्टम तो नहीं लग रहा है, चलो जो भी सिस्टम है, उन्होंने बोल दिया कि ये जो आपको दो प्लेन नजर आ रहे हैं, कुछ ये वाला एक तो, और एक ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके मिलर इंडिसेस निकालिए। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। हेलो गुड इवनिंग, वेलकम सभी, देखिए काफी बेहतरीन लेक्चर और आपके काफी अच्छे से कंसेप्ट। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लेन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसके मिलर इंडिसेस क्या है। हालांकि ये जो रिप्रेजेंट करके देते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है। एक क्वेश्चन इससे भी बेसिक आता है ना, आपको इंटरसेप्ट दे देते हैं, बस क्या दे देते हैं, इंटरसेप्ट दे देंगे किसी भी प्लेन के। प्लेन बना के नहीं देंगे, क्योंकि प्लेन बना के देने में थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को पता नहीं लगता। आपको इंटरसेप्ट दे देंगे और बोलेंगे इसके मिलर इंडिसेस बताइए, कि इसके मिलर इंडिसेस क्या है। उस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे, है ना, क्या मतलब। देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे, द मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस दिस। भाई बोलेंगे कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल एक्सिस है, इसके मिलर इंडिसेस बता दीजिए, ये और भी आसान हो जाता अगर ऐसा दे देते, ये और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आ गई। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता भाई, जिसका यूज करवा रहे हम, है ना, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, है ना, जो काफी अच्छा टॉपिक भी है अपने आप में, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। देखिए जो ये क्यू, ये जो मिलर इंडिसेस है, ये बेसिकली एक प्लेन को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो प्लेन भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेन भी हो सकते हैं, है ना, एक क्यूब में, एक सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, या दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, उसका काफी यूज है। हालांकि इसका यूज करवाया गया है जब में, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद भाई हालांकि इसका यूज कर नहीं करते, इंटरप्लेनर, ये तो डिस्टेंस था, इंटरप्लेनर एंगल भी आपसे पूछने लग गए हैं, इंटरप्लेनर एंगल, ये हालांकि जैम में तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, डिस्टेंस का यूज जरूर करवाया जा रहा है भाई जैम में, ब्रैक्स लॉ में यूज होता है इसका, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले तो मैंने इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि कहानी क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि मिलर इंडिसेस। देखो भाई अगर बताना हो तो बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई क्यूबिक सिस्टम है, है ना, ताकि इस तरीके से चलेंगे तो आपको चीजें काफी अच्छे से सिस्टम आएगी। मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्यूबिक सिस्टम है, है ना, मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्यूबिक सिस्टम है। हालांकि देखो भाई इनकी PDF बनती है अच्छे से, PPT बनती है इनकी, तो आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन भाई मैं बना नहीं पाया और टाइम नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर जो है आपकी X-axis है, ये पर्टिकुलर आपकी X-axis है, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपकी Y-axis मैंने मान ली है ये, और ये आपके पर्टिकुलर Z-axis मैंने मान ली है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ कि 0 0 0, ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ओरिजिन मान लेता हूँ कि 0 0 0 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट के बारे में, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि व्हाट इज इंटरसेप्ट, क्या है कहानी, क्योंकि इंटरसेप्ट देखने आपको जरूर आने चाहिए। मान लीजिए कि आपका इस पोजिशन पे कोई एटम रखा हुआ है, इस पोजिशन पे आपका कोई एटम रखा हुआ है, तो बताइए कि इसके इंटरसेप्ट आप क्या बताएंगे,
अगर मान लो ये आपका मान दिया कि ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से इसके इंटरसेप्ट अगर आपको बताने हो तो आप क्या बताएंगे, इसके कोऑर्डिनेट, बेसिकली इंटरसेप्ट किसी का आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बताने हो तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, जेड एक्सिस का भी कोई रोल नहीं है वाई का है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूं कि एक्स भी जीरो है, है ना, पहला लेटर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद y आ रहा है, तो इस y को मैं 1 लिख सकता हूं भाई, यहां पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो 1 रहा होगा। इसी प्रकार z भी यहां पे नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या रहा होगा भाई, तो 0 1 0, तो ये बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगर मैं यहां पे कोई आपका रख देता हूं, मान लीजिए ये वाला मैंने यहां पे रख दिया है, अगर मैं इसके आपसे जो कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आप कहोगे कि यहां पे तो x का कोई रोल नहीं तो 0, y का भी कोई रोल नहीं है 0, और आप कहोगे कि यहां पे z एक्सिस पे एक आपका पर्टिकुलर ये लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, सभी बच्चे साथ के साथ कमेंट करना ताकि इंटरेक्टिव क्लास बनी रहे, है ना, और मैं काफी अच्छे से चीजें समझा पाऊं, हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड तो चीजें मैं लास्ट में आपको काफी क्लियर कर ही दूंगा। अच्छा भाई तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो सकता है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसके इंटरसेप्ट बताइए कि इसके इंटरसेप्ट क्या, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो भाई एक्स क्या हो गया 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे वाई भी 0 है इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका जेड भी 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए भाई बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये आपके यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर, इसको मैं एक्स दिखा रहा हूं भाई, है ना, यहां पे भी कोई एटम रखा हुआ, इसके कोऑर्डिनेट आप बताइए कि इस पर्टिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, बड़े ध्यान से बताने हैं, पहले तो कोऑर्डिनेट देखने आने चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्लेन में पहली चीज तो कोऑर्डिनेट ही देखनी आनी चाहिए आपको। अगर आपसे बोले कि इस पर्टिकुलर प्लेन यहाँ पे जो इस पे अगर हमने कोई एटम रखा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बड़े आराम से बड़े सोच समझ के आंसर देना है। तो देखो भाई सबसे पहले अगर यहाँ पे मुझे पहुंचना तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, देखिए दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप यहां से चलो, देखो ये चलो यहां से चले, है ना, यहाँ पे पहुंचे उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब ये है क्या एक्स एक्सिस का कोई रोल है क्या यहाँ पे, क्या एक्स एक्सिस का कोई रोल है यहाँ पे, तो नो रोल ऑफ एक्स एक्सिस, कोई रोल नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स तो जीरो जी, यहाँ पे एक्स का तो कोई रोल नहीं है बेसिकली यहाँ पे। अब आपका जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, यस वेरी गुड मोनालिसा, बहुत ही बेहतरीन। चिराग 000 कैसे कह रहे हो भाई, 00 नहीं होगा, बिल्कुल सही बताया स्टूडेंट्स ने, 01011 इज द करेक्ट, बिल्कुल सही है 011 करेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले के बता दो भाई, इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ भाई क्या होंगे, फटाफट से सभी बच्चे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कि क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो भाई, अब ये कैसे आ रहा है, अब ये ऐसे आ सकता है कि एक तो आप यहां पे चले भाई इस तरीके से चले और यहां पे पहुंच गए, इसका मतलब एक्स एक्सिस एंड साथ में आपका जेड एक्सिस, x और x, तो इसका मतलब अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, इस पॉइंट के, तो मैं क्या बताऊंगा कि अब यहां पे भाई x 1 हो गया, उसके बाद y का कोई रोल नहीं है यहां पे, और उसके बाद z का रोल है भाई यहां पे, उसके बाद आपका z का रोल है, समझ पा रहे हो ना, तो 101 हो जाएगा, वेरी गुड बहुत बेहतरीन, तो ये बेसिकली 101 हो जाएगा। उसके बाद भाई अगर आपसे इस पर्टिकुलर के इसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछ ले कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, बड़े आराम से सोच समझ के बताने हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको आती हैं सारी चीजें बस थोड़ा सा। तो देखो अगर आप यहां पे आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, इससे देखिए, इससे आप एक्स में गए होगे और फिर वाई में आए होंगे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 0, ये क्या हो गया भाई 0, यहां पे जेड का बेसिकली कोई रोल होने वाला नहीं है, जेड का यहां पे कोई रोल होने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लूं, इस रेड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे, इस रेड वाले के कोऑर्डिनेट, देखो भाई कुछ बच्चे रॉन्ग बता रहे और कुछ बच्चे बिल्कुल सही भी बता रहे, तो जो बच्चे रॉन्ग बता रहे वो एक बार थोड़ा सा करेक्ट जरूर करें अपना, है ना, जिसको भी समझ में ना आए वो मुझसे पूछे कि आप कैसे बना रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आ रही। इसके कोऑर्डिनेट बड़े सोच समझ के बताने आप सभी बच्चों को, और काफी आसान है, अगर आप बताओगे तो इजीली बता पाओगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए भाई फटाफट से क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने के क्या होंगे अगर आपसे पूछे कोई, देखते कितने बच्चे, यस वेरी गुड, नीलिमा ने काफी सही आंसर दिया है, मोनालिसा ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, एंड रोशन ने पता नहीं पिछले का दिया या कब का दिया, ठीक है, मेरे हिसाब से पिछला भी गलत होता अगर देता, यस बिल्कुल करेक्ट है 111। देखिए अब ये देखो ना, आप यहां से चलो, यहां से अगर चले ये एक्स आ गई, उसके बाद ये आपका सॉरी ये जेड आ गई,
जेड के बाद आपका वाई आ गई और वाई के बाद एक्स आ गई, एक्स के पैरेलल है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे आपका 1 1 1। क्या हो जाएंगे भाई? 1 1 1 हो गए। यार बिल्कुल करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 1 1। तो मेरे हिसाब से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये तो बड़ी आसान सी बातें थी ना, बहुत ही आसान है। यहाँ भाई इसके यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, इसमें तो कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भाई बात करते हैं हम डायरेक्शन वेक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे? देखो डायरेक्शन वेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्शन वेक्टर की क्या कहानी होती है? डायरेक्शन वेक्टर देखो, तो डायरेक्शन वेक्टर हमेशा आपका ओरिजिन से देखा जाता है। डायरेक्शन वेक्टर आपका हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है। तो इसको कैसे समझोगे? इसके लिए एक और हमें वो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। क्यूब जरूरी नहीं है भाई, आप कोई भी क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम दिया हो सकता है, तो आप कोई भी क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब मान लो भाई आपने ओरिजिन ये वाला मान लिया, अब आपने ये वाला जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लिया, 0 0 0, ठीक है। अब देखो भाई डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मान लो कि आपसे ऐसे मेंशन करके देगा आपको यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है ना, तो लिख देगा कि इसके डायरेक्शन वेक्टर बताओ भाई क्या होंगे, इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे बताओ, इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे इस डायरेक्शन। तो ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पहली बात तो कि डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिजिन से देखना होता है हमेशा, ओरिजिन से। तो अगर आपसे बोले कि इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे, है ना, इसको अगर आपका बोल दिया गया कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, चलो इसको मैं जेड बोल देता हूँ इस बार, है ना, ये जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, वो देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर बताएगा कि कौन सी एक्सिस है, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारी मान लिया इस बार मैंने एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये भी मान सकते हैं ना, इसलिए कुछ अलग था। तो अगर इसके हमसे पूछता इस पॉइंट के बताओ कि डायरेक्शन वेक्टर क्या रहा, तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 1 1 है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 1 1 है। तो अगर जो भी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वही इसका डायरेक्शन वेक्टर भी होता है। तो यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्शन वेक्टर है ये बेसिकली, 1 1 1 इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। उसके बाद भाई देखो दूसरा हम यहां से दिखा सकते हैं कि अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का आपसे पूछ ले, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट अलग हो जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने एक्सिस चेंज कर दी तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक्सिस चेंज होगी तो कोऑर्डिनेट भी। तो इसके कोऑर्डिनेट में लिखूंगा 1, क्योंकि एक्स हो गया, एक्स 1 हो गया। उसके बाद वाई का कोई रोल नहीं है, जेड का रोल। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये। अगर इसका आपको देखना है कि वेक्टर, इसका अगर आपको देखना है कि डायरेक्शन वेक्टर क्या रहा होगा, तो बेसिकली ये रहा भाई यहां से, इससे यहां तक दिखा दीजिए, तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया भाई, है ना, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हो गया भाई इस पर्टिकुलर, अगर आपको ऐसे मेंशन करके दे दो बताओ कि इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या, तो आप बता सकते हैं इजीली, है ना, आप इजीली बता सकते हैं भाई इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया। अब देखो डायरेक्शन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है, डायरेक्शन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस पॉइंट के जो ये ब्लू वाला, इस पॉइंट के आप डायरेक्शन वेक्टर बताइए, इस पॉइंट के आपको डायरेक्शन वेक्टर बताने तो क्या होंगे, इस पॉइंट के आपको डायरेक्शन वेक्टर बताने तो बताओ क्या होंगे। तो देखो यार हमेशा जो डायरेक्शन वेक्टर देखा जाता है वो ओरिजिन से देखा जाता है, ओरिजिन से, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ओरिजिन से यहां पे जो है इसको अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बताओ भाई क्या होंगे इसके डायरेक्शन वेक्टर। अगर आप इस पॉइंट के डायरेक्शन वेक्टर बताना चाहते हैं तो इजीली बता सकते हैं, फटाफट से बताएं। तो ये बेसिकली देखो यहां ओरिजिन से जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा भाई, वाई, देखो एक्स का कोई रोल नहीं है, एक्स का कोई रोल नहीं है, तो ये आपका ये रहा, तो इस पॉइंट के ही आ गए भाई, इस पॉइंट के। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं ब्लू से ही, ना, इसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, है ना। अगर आपसे कल को पूछ ले इस टाइप का कोई क्वेश्चन, देखना भाई इस टाइप का क्वेश्चन, कि ये वाला है यहाँ पे, ये वाला है आपका यहाँ पे, और इस पॉइंट के आपको डायरेक्शन, देखो ये तो अलग हो गया भाई, है ना, ये अलग आपका हो जाता है बेसिकली, इस पॉइंट के। मान लो ये देखो, ये जो मैंने मेंशन किया है ये वाला, देख लो ये वाला मैंने किया है, इसके डायरेक्शन वेक्टर आपको बताने, इसके डायरेक्शन, देखो थोड़ी सी देर ये चलेंगी बातें डायरेक्शन वेक्टर, ये फिर मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा कि एग्जैक्ट मुद्दा क्या है, इतनी बात बता दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसके अगर देखो, तो अब ये तो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, तो इसके पैरेलल देख लो भाई कौन ओरिजिन से पास हो रहा है, इसके पैरेलल देख लो कौन ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसके पैरेलल की अगर बात करोगे तो ये भाई इसका पैरेलल, तो देखो ये है इसका पैरेलल, तो ये रहा, तो ये ओरिजिन से देख लो, तो ये ओरिजिन से क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो वो क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो तो आपका जीरो
01 है, 001। तो इस अगर इस वाले की जो ब्लू वाला मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया, अगर इसका आपसे डायरेक्शन वेक्टर बोले तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 001। क्या बोलेंगे भाई, 001। बताओ एक बार समझ में आई या नहीं आई। देखो भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए कि क्या कहानी है, डायरेक्शन वेक्टर क्या रहा होगा इस पर्टिकुलर का। 001, वेरी गुड अंकिता एंड दिशा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये रहा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायरेक्शन वेक्टर बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायरेक्शन वेक्टर बताइए, तो कैसे बताएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला अगर आपसे डायरेक्शन वेक्टर पूछ रहा तो बताएं कैसे बताएंगे। तो देखो ये तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, बट इसका बेस तो ओरिजिन से पास हो सकता है, है ना। इसके क्या पॉइंट आ जाएंगे भाई, देखो यहां पे x और यहां पे y, तो इस पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे तो 110। तो इस पर्टिकुलर के अगर आपसे डायरेक्शन वेक्टर पूछे तो वो 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। ठीक है भाई, मुझे नहीं आया। हाँ नामिका, आपके लिए काफी एडवांस हो जाएंगी चीजें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से समझाने की। देखो भाई मैंने ये कहा कि जो डायरेक्शन वेक्टर देखा जाता है, देखो डायरेक्शन और वेक्टर, और वेक्टर वैसे भी एक आपका को पता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड तो करता ही कि पर्टिकुलर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओरिजिन से अगर पास होता वो पॉइंट, ठीक है, अगर ओरिजिन से डायरेक्ट आ रहा हो, अब ये बना के दे रहे कि यहां से यहां आ गई, तो इसका कोई ऐसा प्लेन देखो, इस जैसा ही कोई देखो जो ओरिजिन से पास होता हो, इस जैसा ही देखो जो कि ओरिजिन से पास होता हो। तो ये तो ओरिजिन से पास हो रहा नहीं, क्योंकि ओरिजिन तो हमने ये माना, तो इसके ऊपर ये वाला तो पास कर रहा है ना, ये नीचे वाला, तो इस की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये आपका 1 हो गया है ना x में, और ये y हो गया, तो 110, तो इसके जो डायरेक्शन कोऑर्डिनेट वो 110 हो जाएंगे, वो 110 हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है एक, तो यहां से देखो क्वेश्चन आया, द कोऑर्डिनेट फॉर एटम्स, देखना देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स फॉर द एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन बीसीसी यूनिट सेल आपको बताने हैं। ये नेट का ही क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, कि 010 ये ऑप्शन दे दिया एक, उसके बाद 1/2 00, है ना, 1/2 00, उसके बाद अगर 2 की बात करें तो मान लो 000, उसके बाद यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 ये वाला, है ना, सी जो आपको ऑप्शन गिवन है वो 000 दे दिया यहाँ पे, उसके बाद आपका 0 हो गया, 1 हो गया, और आपका 2 हो गया, मान लो इस तरीके से 4th एक और हो गया। तो आपको बताने हैं कि कोऑर्डिनेट फॉर द एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, अगर हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ये नेट का ही क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं बीसीसी की बात करूं तो आप सभी को पता कि बीसीसी की कहानी क्या होती है, बीसीसी की कहानी क्या होती है सभी को पता है, बीसीसी की कहानी क्या होती है सभी को पता है, कि एटम्स आपका कॉर्नर पे होते हैं और साथ में एक बॉडी के सेंटर पे भी होता है, एटम्स आपका कॉर्नर पे होते हैं साथ में एक बॉडी के सेंटर पे भी होता है। तो कॉर्नर वालों को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर, ये भी हमारा कॉर्नर, ये भी हमारा कॉर्नर, है ना, ये भी हमारा कॉर्नर, x2 - x1 y2 - y1 से भी हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक बात है, ठीक है, ये रहा और ये रहा। अब देखो यहाँ पे बीच में कहाँ पे रहा होगा, ये ग्रीन, यहाँ पे एक बॉडी का सेंटर भी रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं कि इस पर्टिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। तो भाई एक तो कॉर्नर मानना पड़ेगा, देखो नहीं, अच्छा सेकंड वाला आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है सेकंड वाला। तो ये तो हमने मान लिया कि कॉर्नर का आइटम मान लिया है ना, एक को हमने ये मान लिया कि इस कॉर्नर का आइटम है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि 000। ठीक है, अब इससे अगर यहां पे आ रहे हो, देखो इसके हाफ में जब आ जाओगे ना कंप्लीटली, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/1 बन जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि ये जो लाई करता है बेसिकली ये आपका लाई करेगा, ये मान लो कि अगर x डायरेक्शन है हमारी, x एक्सिस है ना, ये अगर आपकी z एक्सिस है, और ये अगर आपकी y एक्सिस है, ये अगर आपकी y एक्सिस है, तो ये देखो 0 है, 0 से ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ गए यहाँ पे, है ना, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो ये भी 1/2 हो गया, और उसके बाद आप चले गए यहाँ ऊपर, ऊपर की तरफ, तो ये z डायरेक्शन में 1/2 हो गया, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई, 000, और उसके बाद हो जाएगा आपका 1/2 1/2 1/2। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को, तो ये एक बेसिक सी कहानी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। उसके बाद भाई कुछ प्लेन्स की बात कर लेते हैं, कुछ प्लेन की बात कर लेते हैं, कि लैटिस प्लेन की बात करते हैं भाई, उनके उनके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होंगे, कुछ प्लेन बना के दिखाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, कि देखो ये एक हमारा क्या हो गया भाई, क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारा क्यूब हो गया, ये क्यूब किस किस, ये एक प्लेन की बात करेंगे, अब किसी भी पर्टिकुलर प्लेन की बात कर लेंगे, तो ये यहाँ से मिला दो, 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 तो देखो एक प्लेन हो सकता है पूरा ये बाहर वाला, है ना, इसको आप पूरा एक प्लेन मान सकते हैं,
अगर ये मान लो आपकी यहाँ से, अगर ये आपकी मान लो कि जेड एक्सिस है, ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लो कि आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये एक आपके पास प्लेन गिवन है, ये लैटिस का प्लेन है, इस पूरे लैटिस का एक प्लेन है ये बेसिकली, ये बाहर वाला जो मैं बना रहा हूं ऐसे कुछ इस तरीके से। तो इसके अगर आपको बताना हो कि इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके मिलर इंडिसेस बता दीजिए, पहले तो आप इसके कोऑर्डिनेट पता कर लो भाई। तो देखो ओरिजिन, देखो कोई भी प्लेन, पहले तो ये देखो कि जिस भी एक्सिस के कोई भी प्लेन अगर पैरेलल हो जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, उसके कोऑर्डिनेट तो जीरो होने वाले। ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है, ये एक प्लेन नजर आ रहा है, इसके अगर आपसे पूछे कि इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस प्लेन के, तो फटाफट से बताएं भाई इस प्लेन के आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। यहीं से मिलर इंडिसेस वगैरह सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। तो देखो भाई ये आपका जो है जेड के भी पैरेलल है एंड एक्स के भी पैरेलल है, तो ये वाला जो बेसिकली अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इसके पहले, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे भाई आपके, तो 0 1 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा प्लेन है इसका क्या है कि ये देखो, अब ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, ये तो आपका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं ना, कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। एक वर्ड आएगा आपके पास वीज कोऑर्डिनेट, है ना, देखो एक आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वीज कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वीज जो भी आप बोलो यहाँ पे, वीज इंडिसेस, इसका मतलब होता है अगर आपको इसका 20 इंडिस लिखना है तो जो भी यहाँ पे एक आ रहा है इस पर्टिकुलर में वो लिख दीजिए ना। पर्टिकुलर इसके लिए हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम 1 भी लिख सकते हैं, 100 कैसे लिखो, दिशा आपका गलत है, नेहा का बिल्कुल सही है, नेहा का बिल्कुल सही है। इस पर्टिकुलर प्लेन को देखो यार, ये जेड के भी पैरेलल नजर आ रहा है एंड एक्स के भी पैरेलल नजर आ रहा है, तो जिसके जेड और अगर जेड और एक्स के पैरेलल हो गए तो उनको तो जीरो, उनको तो जीरो मानो, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यार धीरे धीरे से आ जाएंगे समझ में, मैं कह रहा हूँ कि समझा दूंगा मैं काफी अच्छे से। तो ऐसे है ना, इस क्यूब में पता नहीं कितने टाइप के प्लेन हो सकते हैं, इस क्यूब में बहुत सारे प्लेन बना सकता है भाई। एक प्लेन मान लो आपका कुछ ऐसा बना दे ना, कि एक प्लेन मान लो कि आपका कुछ ऐसा बना दे, ये वाला यहाँ पे है ना, ये वाला आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका ये देखो यहाँ पे, उसके बाद आपका ये रहा, तो इसको देखो, इसको भी एक प्लेन बना सकता है कि ये एक हमारा प्लेन है ना, तो ये प्लेन देखो, ये भी एक प्लेन ही तो आ रहा है, इसको कट कर रहा है, इस क्यूब को दो आधे भाग में काट रहा है ये वाला प्लेन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लेन हो सकते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं भाई, है ना। तो इन सभी के भाई, अब देखो अगर हम बात करें तो ये किसके पैरेलल होगा, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इन्हीं की बात हमने यहाँ पे बेसिकली करनी भी है काफी डिटेल में। तो देखो एक और प्लेन बनाते भाई, ये इसका इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं हालांकि एग्जाम्स में, तो इसके ऊपर एक और प्लेन बना लेते हैं, हालांकि लास्ट में तो मैं मुद्दे पे आ ही जाऊंगा कि क्या कहानी है भाई इसकी, है ना। जैम में क्वेश्चन नहीं आते भाई, जैम में इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है मिलर इंडिसेस का, तो किसी बच्चे को अगर कम समझ में आए तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ही बात आती है वो आप बेसिकली जिन बच्चों ने भी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, कोऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी, तो वो बच्चा इजिली कर पाएगा। देखो भाई यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे आपकी कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और यहाँ पे आपकी कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हम मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से हम एक प्लेन बना रहे हैं इस पॉइंट पे, है ना, सेम आपका यहाँ पे और सेम आपका यहाँ पे, तो ये एक बेसिकली आपका प्लेन बन जाएगा। अगर मैं इसको मिलाऊं कुछ इस तरीके से, ये रहा इस पॉइंट पे, ये रहा इस पॉइंट पे, और इन दोनों को भी मिलाऊं तो ये एक प्लेन बन गया भाई, ये आपका एक पूरा प्लेन बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ये भी तो एक प्लेन है। अगर इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हो इस प्लेन के, तो पर्टिकुलर क्या कोऑर्डिनेट्स बताओगे भाई, तो वो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये हो जाएगा आपका ये रहा, ठीक है। इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो भाई। अब देखिए अगर आपको यहां पे मैंने वर्ड लिखा था कि वीज वीसिस इंडिसिस, इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई यहां से भी एक्स का भी ओवरऑल वन आ रहा है, y का भी वन आ रहा है और जेड का भी वन आ रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि वन वन और वन, इसका मतलब देखो ये कोऑर्डिनेट नहीं रहे भाई, अब ये इंडिसिस बन गए हैं बेसिकली, ये क्या बन गए, इंडिसिस बन गए हैं, ये कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट में कोमा आता था यहाँ पे, कोऑर्डिनेट में कोमा आता था यहाँ पे, हमने कोमा नहीं, इसलिए भैया बता रहा कि भाई एक्स पे भी ना, एक्स एक्सिस पे भी एक पॉइंट मिलेगा, वाई पे भी मिलेगा और जेड पे भी मिलेगा, इसका मतलब ये वीसिस इंडिसिस है भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जब भी आपको मिलर इंडिसिस निकालने होते हैं, जब भी आपको मिलर इंडिसिस निकालने होते हैं तो आप कर दीजिए रेसिप्रोकल, क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ वीसीज इंडिसेस, इनके रेसिप्रोकल आपको कर देने हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वन वन और वन आया था ना, वन वन और वन आया था, देखो इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो इसके अगर मिलियर इंडिसेस निकालने तो इनका क्या कर लीजिए, इनका इनका रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन होगा, वन का रेसिप्रोकल, ब्रैकेट मत लगाएं भाई, कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये दीज आर द मिलर इंडिसेस, ये क्या होते हैं आपके, ये मिलर इंडिसेस आ गए भाई, ये क्या आ गया आपके, मिलर इंडिसेस आ गए। सर मतलब जो प्लेन का देखना है तो कौन से एक्सिस के पैरेलल है, बस ये देखना है। देखो जिस एक्सिस के पैरेलल होगा उसका पॉइंट तो जीरो आना है, और जीरो आ गया है ना, या इनफाइनाइट आ गया बेसिकली। देखो जीरो ना बोल के आप इनफाइनाइट बोलिए, है ना। देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, तो ये तो मैंने विशेष इंडिसेस नहीं है, तो मैं पर्टिकुलर देखो कि ये इन, देखो इस पॉइंट के लिए अगर ये जो पहला प्लेन मैंने रिप्रेजेंट किया था, इसके लिए क्या है कि वाई, देखो एक्स इनफाइनाइट पे है, एक्स इनफाइनाइट पे है, है ना, वाई वन पे है और ये भी इनफाइनाइट पे है। अगर इसका रेसिप्रोकल होगे, वन बाई इनफाइनाइट करोगे जीरो हो जाएगा, वन बाई वन करोगे तो वन हो जाएगा, और वन बाई इनफाइनाइट करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये बेसिकली अभी समझ में, थोड़ी सी देर में पूरी कहानी समझा दूंगा, थोड़ा सा वेट आपको जरूर करना पड़ेगा, थोड़ी सी देर में चीजें समझ में आएगी, ठीक है भाई। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लेन हो तो उसके सबसे पहले आप निकाल लीजिए ये वाले इंडिसेस निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी के जो विशेष इंडिसेस है ये आपके वी आई डबल एस, ये अगर आपके पास आ रहे हैं ए बी सी, अगर ए बी सी आ रहे हैं तो इसके अगर आपको मिलर इंडिसेस निकालने, मिलर निकालने, तो सबसे पहले वो क्या आएंगे आपका एच के एल आएंगे भाई, क्या आएंगे एच के एल आएंगे, और एच किसके इक्वल होगा वन बाई ए के, है ना, यानी कि रेसिप्रोकल करना होता है इसका, हमें क्या करना होता है इसका रेसिप्रोकल। जैसे भाई ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा वन बाई बी, और ये आपका हो जाएगा वन बाई सी, दीज आर मिलर इंडिसेस। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक एक प्लेन के निकाल के देखते हैं भाई कैसे निकलेंगे, उससे आपको काफी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, तो उसके बाद मैं दो चार बेसिक और क्वेश्चन लूंगा। तो ये देखो यहां से, इसी प्रकार आपको यहां से ये देखना है ना, यहां से ये देखो, यहां से ये रहा, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, कोई भी एक पकड़ लीजिए भाई, है ना, आपका जो मन करे वो पकड़ लीजिए। ये जेड मान लिया, है ना, आपका ये एक्स मान लिया, और ये आपका वाई मान लिया, ठीक। अब मान लो कि इस प्लेन के बताने आपको, है ना, कौन से वाले प्लेन के, इस सामने वाले प्लेन के आपको मिलर इंडिसेस बताने, बस ऐसा लिख के दे देगा कि इसके मिलर इंडिसेस बताइए, बताओ भाई, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। इसके मिलर इंडिसेस बता दीजिए फटाफट से, इस प्लेन के, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस। सर जो ओरिजिन पॉइंट दिया होगा वो, देखो ओरिजिन का मतलब जहां से तीनों एक्सिस निकल रही, तो यही ओरिजिन है, यही ओरिजिन है बेसिकली, ये जीरो 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 है, तो जहां से तीनों एक्सिस निकल रही वो जीरो जीरो हो जाएगा। इस प्लेन के मिलर इंडिसेस आपको बताने, कैसे बताएंगे, देखो यार सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपको अगर आप इसके विशेष निकालना चाह रहे हैं पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका, है ना, देखो x x भी वन आ रहा है, उसके बाद y जीरो आएगा, या y को इनफाइनाइट बोले, जीरो ना बोले, इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए y इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे, और z भी वन पे है। तो ये तो हमारे हो गए भाई क्या, ए बी सी। अगर हमें मिलर इंडिसेस निकालने हैं इस पर्टिकुलर के, क्या निकालने हैं, मिलर इंडिसेस अगर हमें निकालने हैं तो क्या कर दीजिए, वन का रेसिप्रोकल वन, वन का रेसिप्रोकल वन, वन बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, एंड आपका वन का भी आपका रेसिप्रोकल वन आ जाएगा। तो वन जीरो वन इज द मिलर इंडिसेस, इसके जो मिलर इंडिसेस आ जाएंगे वो वन जीरो वन आ जाएंगे, ठीक है भाई। फटाफट से बता दे भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट से बोले। अभी देखो इस रेड वाले के बताना भाई सभी बच्चे, इस ये तो किस वाले के बताए हमने, ये तो इस ग्रीन वाले के बताए, ग्रीन वाले के, इस रेड वाले के बताना भाई सभी बच्चे कि इसके क्या मिलर इंडिसेस आएंगे अगर ये प्लेन आपको बना के दे दे कल को। सिर्फ ये रेड वाले की बात कर रहा हूं भाई, आप इसे अलग से भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो आप इसे अलग से भी बना सकते हैं। तो इस रेड वाले के मिलर इंडिसेस बता दीजिए फटाफट से। तो आपने देखा बस इतना सा, अब देखो ये सबसे, ये इसके एप्लीकेशन पे आ गए हैं सीधा, इसके एप्लीकेशन पे आ गए हैं सीधा। तो देखो यहां पे एक्स का तो कोई रोल नहीं है, इस प्लेन के लिए एक्स तो इनफाइनाइट पे है, इस प्लेन के लिए x तो इनफाइनाइट पे है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका y भी वन पे है और z भी आपका वन पे, कोमा फिर से ना लगाएं, ये कोमा ना लगाएं, क्योंकि कोमा अगर लगाना तो कोऑर्डिनेट दिखाओ, फिर कोमा अगर लगाना तो कोऑर्डिनेट दिखाओ, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से फिर ये निकालने पड़ेंगे। तो आप इसको कैसे बनाओगे ना, इसको आप ऐसे बनाओ कि यहाँ पे भाई ये इनफाइनाइट, ये भी आपका वन हो गया और ये भी आपका वन हो गया। अगर इससे मिलर इंडिसेस निकालने तो क्या निकालोगे, है ना, ये आपका हो जाएगा जीरो, ये आपका हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को आ रहे हैं भाई निकालने, सभी बच्चों को निकालने आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी देर में आ जाएगी आपके सामने।
अब देखो भाई, अगर इस प्लेन के निकालने के लिए बोल रहे हैं आपसे, इस वाले के लिए भाई, बाहर वाले के लिए, ये जो आपको ब्लू है ब्लू, इस वाले प्लेन के लिए बता दो भाई कैसे निकालोगे, इस वाले के लिए बता दो कैसे निकालोगे फटाफट से। इस प्लेन की अगर बात करोगे, इस बाहर वाले प्लेन की अगर आप बात करोगे, तो यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स एक्स इसके पैरेलल है, तो इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे, क्योंकि आपको पता है दो पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, सभी को पता ना, दो पैरेलल लाइन हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी, कभी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पे, इसके लिए एक्स इनफाइनाइट पे, इसके लिए जेड भी इनफाइनाइट पे है, है ना, कोमा फिर से मैं लगा रहा हूं भाई, मैं तो आपको नहीं लगाना बार बार। उसके बाद आपका वाई हो जाएगा यहां पे वन, तो इसके अगर आपसे मिलर इंडिसेस पूछे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे, वन वन वन, वन 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 कैसे बता दिया भाई तुमने, अरे यार वन 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 कैसे बता रहे हो, वन 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 कैसे बता दिया, इस बाहर वाले प्लेन की बात कर रहा था यार मैं, ये गलती कैसे कर रहे हो भाई तुम, वन 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 नहीं बताने यार, ऐसे ना करो, ध्यान से देखो पूरा कि क्या पूछा जा रहा आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप बोलिए, है ना, देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं भाई, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, है ना, क्योंकि y हमने यहां पे लिखना है, y हमने यहां पे लिखना, तो y आपका वन आ जाएगा और ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पे क्या लिखोगे, यहां बीच में आप वन लिखिए, यहां बीच में आप वन लिखिए और यहां पे आप जीरो लिखिए, ठीक है, हाँ आएगा ना सर, यस 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 यस, बिल्कुल सही है देवेंद्र का, बिल्कुल सही, मैंने लिखने में गलती कर दी बस। अरे भाई मैं समझा तो ये रहा हूं ना कि यहां पे y आ रहा है बस, है ना, जेड और एक्स तो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो होता है, हाँ सर, जीरो वन जीरो होगा, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, मोनालिसा एंड निकिता एंड बिल्कुल सही सर, लास्ट वाला फिर से, ओके देखो इसको मैं अलग से बना दूं, इस लास्ट वाले को मैं अलग से बना दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसमें है ना दो तीन मिक्स हो गए, नहीं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता। देखो इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं कि कैसे क्या है, मैंने देखो ये रहा और ये रहा, ठीक है ये रहा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये हमारा जेड है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले प्लेन की, ये बिल्कुल बाहर वाला है, इसके अगर आपको मिलर इंडिसेस निकालने तो आप कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इसके आप ऐसे निकालेंगे, इसके आप ऐसे निकालेंगे कि देखिए भाई ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और ये जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, एक्स के भी पैरेलल और जेड के भी पैरेलल है और वाई पे ये आपका कट कर रहा है, इसका मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स तो मेरे लिए यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, एक्स तो मेरे लिए यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा, वाई मेरे लिए वन हो जाएगा, वाई मेरे लिए वन हो जाएगा और जेड भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका ले लो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो इनफाइनाइट का ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया भाई, बता दो फटाफट से, बता दे भाई समझ में आ गया आपको, फटाफट से बताएं कि समझ में हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, आशुतोष हो गया ना। इसके बाद देखो और एक प्लेन देख लो भाई, है ना, बहुत सारे, बस यही है, इसका इसी टाइप के क्वेश्चन आते, कोई ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हालांकि इनके ऊपर, नेट गेट के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं आपको और बिल्कुल लास्ट में तो मैं पूरा करवाऊंगा ही आपको, आपको लगेगा हाँ कि सारे सोल हो रहे हमसे, तो इसका बताना भाई, एक और प्लेन बना के दे रहा हूं आपको, मान लो कि ये आपका जेड है, ये आपका जेड हो गया, ये आपका हो गया वाई और ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स, ठीक है। अब देखो भाई इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसी प्रकार ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इस प्लेन को मिलाओ, तो इस प्लेन को यहां से एंड इस प्लेन को यहां से, ठीक है, और इसको आप ऐसे चलाओ, इस प्लेन के बता दें भाई फटाफट से, इस प्लेन के फटाफट से बताएं, उसके बाद फिर मैं दो प्लेन भी लेके आऊंगा, एक बार इसके बताएं पहले, देखो भाई अगर आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो साफ साफ एक चीज तो नजर आ रही कि एक्स पे तो है, एक्स पे तो ये टच कर रहा है, तो एक्स का तो मैं वन लिख सकता हूं, वन,
उसके बाद ये वाई को भी टच कर रहा, तो वाई का भी वन लिख सकता हूँ, वाई का भी क्या लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ। उसके बाद ये आपका जेड के लिए इनफाइनाइट है, क्योंकि जेड के तो ये पैरलर है, जेड के तो ये पैरलर है। नहीं यार हिमानी गलती कर रहे हो, बिल्कुल गलती कर। अब ये तो आपके पास वीज इंडिसेस आए, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगे वन, उसके बाद वन एंड जीरो। इस प्लेन के लिए जो मिलर इंडिसेस रहे होंगे वो वन वन जीरो रहेंगे, वन वन जीरो। यस बिल्कुल करेक्ट है दिशा का, दिशा का बिल्कुल करेक्ट है भाई। फटाफट से बताएं भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट से बता दें। वेरी गुड वेरी गुड, सभी निकाल पा रहे हैं भैया। अच्छा भाई अनामिका आपको समझ में आ रहा है, अनामिका समझ में आ रहा है क्या आपको? समझा तो मैं दूंगा भाई लास्ट तक, है ना, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई एग्जांपल देके समझा तो मैं दूंगा आपको। अच्छा भाई और क्वेश्चन दे दें, और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और एक दो प्लेन और बना के दे देते हैं बस, उसके बाद आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो ये यहां पे आ गया एंड ये कुछ आपका यहां पे आ गया, ये यहां पे, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से और इसको यहां से मिला दो, है ना, इसका थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। इसमें भाई कोई भी प्लेन बना लेते हैं, यस सर ओके, इसमें हम कोई भी प्लेन बना लेते हैं। ये जेड मान लो, है ना, ये आपका एक्स वाई मान लो और ये आपका एक्स मान लो, ठीक है। अब मान लो कि ये वाले दोनों मिला देते हैं भाई, ये वाला ये रहा, ये और ये रहा, ठीक है। अगर इस प्लेन की बात की जाए, इस पर्टिकुलर प्लेन की अगर बात करें, चलो इसको रुको एक बार, इसको रुको, ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे अभी तो, एक बार आप इसमें इसको रुको एक बार, मैं कोई और सिंपल सिंपल ही आपको बना के देता हूँ, है ना, कोई सिंपल बना के ले ले हैं एक बार तो। ये वाला ले लो आप एक बार के लिए, ये वाला लो, आसान है ये, आसान रहेगा आपको समझने में, धीरे धीरे लेवल पे आ जाएंगे तो अच्छी बात है। इसको मिला दो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे, है ना, और इसको मिला दो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और ये वाला प्लेन क्या बता दो एक बार, इनका बता, इस वाले प्लेन का बताएं फटाफट से, बताएं फटाफट से, बताओ। तो इस पर्टिकुलर के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका x को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, x इंफिनिटी, उसके बाद ये आपका y को भी टच कर रहा है और ये आपका z को भी टच कर रहा है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल हो गया 0 1 1, 0 1 1 इज द करेक्ट आंसर, 0 1 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, उसके बाद मैं दोबारा से प्लेन के ऊपर आऊंगा कि आपका भी मिलर इंडिसेस निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो भाई, है ना, तरीका होता है मिलर इंडिसेस निकालने का, बिल्कुल एक पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे भाई मुझे, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, उसके बाद ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हालांकि ये आपका किसी एमएससी एंट्रेंस का है, जैम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मिलर इंडिसेस फॉर द क्रिस्टल प्लेन कट थ्रू दी क्रिस्टल एक्सिस एट 2a 3b एंड c, और ये कोमा दिखा रखा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट है, क्या ये आपका कोऑर्डिनेट है, बता दे भाई फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ये तो बस आपको एक तरीका बता रखा है, इसके अंदर आपको नहीं आना है। सर फर्स्ट वाला आपने जो बनाया था उसका 001 आएगा ना, देवेंद्र बात करेंगे, अभी आएंगे एक बार, मैं पूरा आपको ऑर्डर बताऊंगा, फिर आपको निकालना आएगा वो ऐसे क्वेश्चन, एक बार रुको, है ना। तो इसका एक बार आंसर बताएं फटाफट, फोर आंसर है, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चिराग का, चिराग का बिल्कुल सही है, सभी का सही होगा ये तो, यार बड़ा आसान है। देखो भाई सबसे पहले देखो, मिलर इंडिसेस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, तो ये पूरा आपका एक यहाँ पे बताया भी गया है कि फाइंड द इंटरसेप्ट अलोंग द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका 2 हो गया, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 हो गया और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका 3 और 1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया आपका 1/3 और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। ये अब ये आंसर नहीं है, अब इसका सिंपलेस्ट रेशो लीजिए, इसका सिंपलेस्ट रेशो लीजिए, तो कन्वर्ट टू सिंपलेस्ट इंटीजर इन द सेम रेशियो, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देते, अगर इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 3 आ जाएगा,
छह से करोगे तो दो आ जाएगा और छह से करोगे तो याद आएगा। दीज आर मिलर इंडिसेस, ये है आपके मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस ब्रैकेट में जरूर दिखाना है, इस ब्रैकेट में जरूर दिखाइएगा आप इनको। तो ये होता है, ये तरीका होता है मिलर इंडिसेस निकालो। कोई पर्टिकुलर, सबसे पहले आप इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए, उनका रेसिप्रोकल लीजिए, फिर आपको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है ना। सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इनको इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देना है। ये एक कहानी मैंने आपको बता दी, एक क्वेश्चन बेसिक मैंने आपको बता दी। उसके बाद भाई पूरा एक सिस्टम होता है इनका, उस सिस्टम की बात कर लेते हैं। पूरा एक सिस्टम होता है अगर आप किसी भी मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास किसी के भी मिलर इंडिसेस निकालने हैं। देखिए भाई, मान लो कि कोई सिस्टम, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चूज अ प्लेन दैट डज नॉट पास थ्रू। तो सबसे पहले देखो, चूज अ प्लेन जो आपका डज नॉट पास, है ना, डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। सबसे पहले तो आप एक ऐसा प्लेन को चूज कर लीजिए जो ओरिजिन से पास ना करता हो, क्योंकि कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से पास करेगा तो उसके लिए सारे जो इंटरसेप्ट वगैरह वो जीरो 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 हो जाएंगे, तो उसके लिए तो कुछ हम डिफाइन कर ही नहीं सकते फिर। तो सबसे पहला होता है कि आपको एक ऐसा प्लेन चूज करना होता है जो कि आपका ओरिजिन से पास ना करता हो। उसके बाद फिर आपको एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट का पता कीजिए उस प्लेन के अकॉर्डिंग, है ना। इंटरसेप्ट फाइंड आउट कीजिए उस प्लेन के अकॉर्डिंग, है ना, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसके बाद उनका फ्रैक्शन लीजिए, फ्रैक्शन, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो आपको लेना है, ठीक है। तो ये कहानी होती है भाई, बेसिकली ये कहानी होती है आपका अगर आप किसी का भी मिलर इंडिसेस निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर हमारे जो मॉडर्न कहानियां हैं उनके ऊपर आ जाएंगे। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन आपका भाई डीयू के अंदर आया था, डीयू 2017 के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है डीयू पूछती है, क्योंकि डीयू का लेवल काफी अच्छा है ना। वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि क्या आएगा। पहले मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई फटाफट से, कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और भाई ये है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते जैम में, जैम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। जैम में तो इसका क्या करवाया जाएगा आपसे, यूज करवाया जाएगा ब्रेक्सला में, वो भी कभी कभार करवा लेता है, अगर ये ना भी पता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्हाट मिलर इंडिसेस प्लेन इज सोन इज बिलो हियर, इसके मिलर इंडिसेस आपको बताने, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। फटाफट से करें भाई ट्राई, फटाफट से। सी, चिराग ने बोल दिया भाई सी आएगा इसका, तो वेरी गुड चिराग, देखते हैं सही है या नहीं है आपका, देखते हैं। इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे काफी सारे बच्चे कि ये क्या हो गया भाई, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यार सीधी सी बात है, इसमें आप निकाल लो पहले तो वीज इंडिसेस निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपने ये देखो इस तरीके से, अब देखो कि ये दोनों प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन क्या एक्स को कहीं पर टच कर रहे हैं क्या? ये वाला प्लेन तो सिर्फ किसको टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है यहाँ पे, और ये वाला प्लेन यहाँ पे जेड को टच कर रहा है। ये वाला इसको वन पे टच कर रहा है, वन पे। ये वाला इसको वन बाई टू पे टच कर रहा है। क्या कोई भी एक्स को टच कर रहा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको ऐसे प्लेन फाइंड आउट करने हैं जो कि आपका ओरिजिन से पास ना होते, तो ये रहा। उसके बाद देखो ये आपने एक्स के लिए तो इनफाइनाइट लिख देना है ना, उसके लिए, उसके बाद आपको वाई के लिए वन और इसके लिए वन बाई टू। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, इसका रेसिप्रोकल, वन का इनफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, वन का वन और वन बाई टू का टू। इसका ये तो सिंपलेस्ट रेशियो ही है, ये तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो ही है, ये तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो ही है। बता दो भाई सी बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चों ने सही बताया लगभग, सी इसका करेक्ट है। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, उसका पूछने का बिल्कुल हक बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अपनी ट्रिक से देखता हूँ, मेरी ट्रिक से कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये मिलर इंडिसेस से कोई रिलेशन नहीं रखता है, फिर भी आप इसका आंसर बताएं। देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पे इंटेलिजेंट बैठे हैं और कितना जल्दी आंसर देते हैं, ये भी मैं देखूंगा कि कितना जल्दी आप इसका आंसर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये भी आपका डीयू का ही क्वेश्चन है, हालांकि लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन, दोबारा से करवा दूंगा। तो आपको बताना है कि ये आपको बना के दे दिया, असाइन द ब्रेविस लैटिस टाइप फॉर द फ्लोइंग यूनिट सेल स्ट्रक्चर।
इसके लिए कौन सी ब्रेविस लैटिस का टाइप आप यहां पे रखेंगे कि ये किस टाइप का? ये सर ये वर्ब बाय टू कैसे? ओके नया अभी बताता हूं मैं सर, नहीं समझा? हाँ यही बात तो पूछो ना आप। देखो देखो इसको सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप देखो अगर मुझे इस, देखो इसको दोबारा से आ जाते हैं इसको, है ना, इस प्लेन के लिए इस, ये देखो जो मेंशन किया हुआ, इसके लिए अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने, तो आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप कोऑर्डिनेट लिखोगे कि ये भी इन्फिनिटी है ना, उसके बाद आप इसका कोऑर्डिनेट जो लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे भाई, वाई वन हो गया और ये जेड भी इन्फिनिटी है। इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए आप क्या लिखोगे, इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए आप क्या लिखोगे? अगर इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए लिखना चाहते हो तो आप एक्स तो इनफाइनाइट लिखोगे, वाई के लिए आप वन लिखोगे, वाई के लिए वन, और जेड के लिए आप क्या लिखोगे, जेड के लिए तो वन बाई टू लिखोगे, क्योंकि अगर ये यहां तक होता तो हम वन कहते, तो हम वन कहते, ये तो इसके आधे में आ रहा है तो इसलिए वन बाई टू कहेंगे, और मेंशन भी किया हुआ कि वन बाई टू पे कट कर रहा है, मेंशन भी किया वन बाई टू पे कट किया है, तो ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये वन वन, और ये आपका लिखोगे वन बाई टू, तो इससे आपने लिखा कि ये इन्फिनिटी हो गया, ये आपका वन ही हो गया, और ये वन बाई टू, इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना, वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा और ये टू आ जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो है। नेहा एंड देवेंद्र बताओ, यस 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 वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, नासरीन एंड जो है आशुतोष, दिशा आप सही आंसर कर रहे हैं बिल्कुल पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो यार इस क्वेश्चन में है ना, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आई होगी कहानी क्या है, लेकिन भाई अगर कोई थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा रहा है ना, कोई ध्यान से देख रहा है, उसको एक ही चीज समझ में आ रही है यहाँ से कि ये एंगल भी 90, इन दोनों के बीच वाला भी 90 और ये वाला भी 90, तीनों ही एंगल कैसे 90, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या लास्ट वाला लेटर में टू लिख सक, वन लिख सकता हूँ वन, उसके बाद देखो दो एज लेंथ सेम है, दो एज लेंथ सेम है और एक एज लेंथ डिफरेंट है, डिफरेंट है, दो सेम है, दो सेम और एक डिफरेंट, तो क्या लिखोगे यार? और देखो 11 12 है ना, 11 12 21 22, ट्रिक क्या थी? सी टी तो इसके नीचे क्या लिखते थे? 11 12, क्या लिखते थे? 11 12, और उसके बाद 21, इसका मतलब दो का मतलब टेट्रागोनल, क्या टेट्रागोनल भाई? डीयू 17 में ना तीन क्वेश्चन आए थे सॉलिड स्टेट से, डायरेक्ट क्वेश्चन, जो दो तो मेरी ट्रिक से सोल्व हो रहे हैं, दो तो मेरी ट्रिक से सोल्व हो रहे थे, है ना। और भाई मैंने ये देखा कि किसी यूट्यूबर ने, मैंने देखा वीडियो कि ये ट्रिक ही कॉपी करके, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने कॉपी करके, मुझे लगा अच्छा यार कि अपने ट्रिक को भी मान्यता मिल गई है। कि भाई अपनी ट्रिक भी यूज होने लग गई है। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ ये है कि मैंने ये कहीं से कॉपी नहीं की, जो चीज मैं कॉपी करता हूँ मैं बताता हूँ, ये जो ट्रिक है ना ये मैंने खुद ने बनाई थी, और ये ट्रिक मैंने बनाई थी लगभग दो ढाई साल पहले, है ना, वीडियो भी डाली हुई है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, देखते हैं। देखो भाई वैसे आप बता सकते हैं, है ना, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि देखते हैं कितने बच्चे पता कर पाए इस चीज़ का, हालांकि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अपनी जो ट्रिक की लिमिटेशन वो हमें पता लग जाती है जब हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, हमारी ट्रिक की लिमिटेशन भी हमें पता लग जाती है जब हम क्वेश्चन करते हैं। 1 of an angle in monoclinic crystal. देखो सबसे पहले तो मोनिकल, मोनोक्लिनिक, तो सी टी तो हरि ओम बजाता था, है ना, तो 11 12 21 22 और आपका 31 32, इसके लिए क्या गया? 32, इसका मतलब है ना मोनोक्लिनिक में एज तो कोई भी सेम नहीं होती, है ना, एबीसी तो सेम ही नहीं होती, उसके बाद 2 है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होता है, बट एक गामा यहाँ पे जो है ना एक एंगल डिफरेंट होता है, वो इनके इक्वल नहीं होता, अब वही बताना है कि ये एंगल कितना होता है। बहुत अच्छा सर ये सच में, यस सर आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, अरे फैन फॉलोइंग तो कहाँ बढ़ रही है भाई, है ना, लेकिन यार आप खुश हैं, इतने में भी खुश हैं, और सबसे ज्यादा तो खुश ये होंगे भाई, चार बच्चे पढ़ाए और चार का सिलेक्शन हो गया, है ना, हुआ भाई 1000 बच्चे पढ़ाए और 10 का सिलेक्शन हुआ, फिर उन 10 को दिखा के कहेंगे भाई हमारा सिलेक्शन देख लो, है ना, तो बाद में मजा जब आएगा कि भाई अपना रिजल्ट बहुत अच्छा है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए, स्टूडेंट मैटर नहीं करते, स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे जब आने होंगे, ठीक है, लेकिन पहला मैटर करता है कि रिजल्ट, मेरा फोकस फिलहाल भाई ना स्टूडेंट को लेके आने पे है ही नहीं, जितने स्टूडेंट है उनको सेटिस्फाई करने पे और लगा रहता हूँ, हालांकि मानता हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ 100%, लेकिन कोशिश पूरी जा रही है ना, करेंगे बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और जब एग्जाम में क्वेश्चन हमारी ट्रिक से, मेरे तरीकों से सोल्व होंगे तो मजा आ जाएगा। देखो भाई ये याद रख लेना इस क्वेश्चन को, इसको याद रख लेना,
अगर ऑर्थोरोम्बिक होता तो ऑर्थोरोम्बिक में भी एक एंगल आपका अलग होता है, तो वो आपका होता 90, वो भी 90 से ज्यादा होता, 90 से ज्यादा। और देखो ये वाला रहा मोनोक्लिनिक में, जो आपका एंगल होता है वो आपका 122 से 123 डिग्री होता है, 122 से 123 डिग्री होता है। तो यहां भी यही पूछा गया था, इसका आपका करेक्ट आंसर आना था बी, इसका करेक्ट आंसर आना था बी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, कि यहां पे जो आपका एंगल रहा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा रहा होगा। ये दो क्वेश्चन आपके बेसिक्स, बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारी ट्रिक से काफी अप्रोच हमको मिल भी रही थी। ठीक है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, इस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ ये क्वेश्चन करके बताओ भाई मुझे, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ये क्वेश्चन भाई नेट में आया आपका, नेट दिसंबर जो आपका दिसंबर 2019 में हुआ, ये मिलर इंडिसेस से रिलेटेड है। इसका आंसर देखते कितने बच्चे बता पाते हैं, बताना यार आराम से सोच के बताना, बता सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखो क्या बोला इन्होंने, ये दे दिया इन्होंने, ये बोल दिया कि ये ए है आपका, ये ए है और ये बी है। ठीक है, द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन एज शोन इन द फिगर एंड पैरेलल टू सी एक्सिस। अगर कोई बच्चा इस बात को भी नोट कर गया ना कि ये जो प्लेन है ना ये पैरेलल है किसके, सी एक्सिस के, बस वो क्वेश्चन सोल्व कर देगा, वो क्वेश्चन सोल्व कर देगा इसको। द मिलर इंडेक्स फॉर द प्लेन एज शोन इन द फिगर, यहां पे ये देखो ये प्लेन है, बस ये वाला प्लेन इसको बताना है, और यहाँ पे सी तो पैरेलल है ना, अगर ये प्लेन सी के पैरेलल है तो सी से तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहा होगा, और इसका मतलब सी तो यहाँ पे जीरो आने वाला है, सी तो आपका यहाँ पे जीरो आने वाला है। ठीक है, तो देखो जीरो तो सभी में आ रहा भाई, जीरो तो सभी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद ये बना लो भाई कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से बना लो कुछ, ये यहाँ पे मिलाओ और इसको आप कुछ यहाँ पे मिला दो, है ना, ये तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो आप बिल्कुल कर लेंगे भाई, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर यहां से आप चले हो, ये ओरिजिन है बेसिकली, क्योंकि ये ए हो गया आपका, ये ए और ये आपका बी हो गया बी। अब देखो ये जो कट कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ पे कट कर रहा है, और ये जो कट कर रहा है ये वन टू पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, टू पे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए फोर लिख दूं, देखो इसके लिए सबसे पहले ए फोर लिखा मैंने, ए फोर हुआ, उसके बाद ये टू हुआ, और उसके बाद ये आपका ये हुआ, इसका ले लो रेसिप्रोकल, है ना, इसका क्या ले लो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लो, तो ये आपका हो गया 1/4, ये आपका हो गया 1/2, और ये हो गया 0। अब सिंपलेस्ट रेशियो, अब क्या लेना आपको, सिंपलेस्ट रेशियो क्या लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, बता दो भाई ये आएगा इसका आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे भाई जो समझ पाए, दिशा ने बिल्कुल सही बोला था, दिशा ने बिल्कुल सही बोला था, मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे थे दो कि बिल्कुल गलत था। अरे भाई सी के अगर पैरेलल तो सी तो जीरो है ना, उसके बाद ये देखना पड़ेगा, इन्होंने बोला कि ये ए है, देखो ये मेंशन करके दिया हुआ कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है इसको, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये देखो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये आपका वन और ये आपका टू, बस हो गया सिंपल। आ गई बात समझ में, ऐसे निकालते हैं भाई, ये क्वेश्चन आया था नेट का क्वेश्चन है ना, नेट का क्वेश्चन है भाई ये आपका। अब देखो भाई आपके पास क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा फंडा उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर हम चीजों को क्लियर करते चलेंगे। हाँ हालांकि स्लाइड आगे पीछे जरूर होंगी आज की, लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए भाई अब हम बात करते हैं इंटर प्लेनर डिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से आपका ब्रेक्स लॉ में यूज करवा लेता, बस इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात करते हैं कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्या कहानी होती है। देखिए भाई ये जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बना रहा हूं, मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये सिस्टम हो गया है ना, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो। अब देखो यार यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, है ना, मान लो कि एक तो ये वाला प्लेन आपके पास है ना, ये वाला प्लेन हो गया भाई, ये वाला प्लेन, इसी प्रकार एक ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन है ना, ठीक है। तो इन दोनों के प्लेन के बीच में अगर आपसे बोले तो ये जो डिस्टेंस है इसे बेसिकली क्या बोलेंगे, इंटर प्लेनर डिस्टेंस बोलेंगे। क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे डी वन जीरो जीरो, क्या लिखेंगे इसे, डी वन जीरो जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपका वो वन जीरो जीरो है। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि भाई है ना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
क्योंकि ये एक ही है बेसिकली, दो के तो पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है, इसको ये लिखेंगे। अब मान लो बीच में भी आप एक प्लेन बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको आपने यहाँ पे मिला दिया, इसी प्रकार ये रहा, इसी प्रकार ये रहा, इसको आपने यहाँ पे मिला दिया, इसको आपने यहाँ पे मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया, तो इनके बीच में भी एक प्लेन हो सकता है भाई कुछ इस प्रकार से, तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ये तो मैं सिंपलेस्ट वाला दिखा रहा हूँ। तो अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हाफ कर दो, मतलब डबल करना पड़ेगा आपको, ना, तो ये जो डी हो जाएगा ये आपका 200 लिखेंगे इसे, इतने को क्या लिखेंगे 200, ठीक है, ये आपका 200, ये पास आ गया उससे, अगर वो 1 पे था तो ये तो उससे और भी पास आ गया ना भाई, समझो इस बात को, अगर वो 1 पे था तो ये तो उससे और पास आ गया, यानी कि आधा आ गया तो डबल हो गया डिस्टेंस। देखो समझ पाओ, मान लो कि यहाँ पे 100 था, यहाँ पे ये 100 था, अब ये तो कहाँ पे आ गया, इसके और भी पास में आ गया, ये वाला दूर था तो इसके और पास में आ गया, इस तरीके से समझिए आप, थोड़ी सी देर में समझ में आएगी। तो भाई देखो इसके लिए एक फार्मूला बनता है हमारे पास, है ना, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बनता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो उसके लिए फार्मूला होता भाई आपका, सबसे पहले है ना हम ऑर्थोरोम्बिक के लिए याद रखेंगे, ऑर्थोरोम्बिक के लिए, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक की अगर बात करोगे, सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी देखो सी टी तो हरि ओम, है ना, ओ तो ये आपका 11, ये 12, ये 21, ये आपका 22 और ये आपका 31। इसके लिए क्या कि तीनों एज लेंथ अलग होती है, इसके लिए क्या होता है आपका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना, तो इसके डिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/d² 1/d², यहाँ पे h का स्केयर, इसके अंडर रूट आपको करना है a का स्केयर, ठीक है, h बोले तो मिलर इंडिसेस एंड a बोले तो आपका जो आपका इंटरसेप्ट है वो, a बोले तो आपका इंटरसेप्ट, उसके बाद आपका ये होगा भाई k का स्केयर, इसके नीचे आप लिख दोगे b का स्केयर, इसके बाद में हो गया आपका भाई l का स्केयर और इसके नीचे आप लिख दोगे c का स्केयर, इसके नीचे आप क्या लिख दोगे c का स्केयर लिख दोगे, ठीक है। ये किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होता है, तीनों ऐसे लेंथ अलग होती है। अगर यही हमें लिखना पड़ जाए क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक के लिए तो हमें पता है कि आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो क्या इन सभी को मैं a लिख सकता हूं, तो क्यूबिक के लिए आप क्या फॉर्मूला बना दोगे, क्यूबिक के लिए फॉर्मूला बनाएंगे 1/d² 1/d², तो इसको मैं लिख सकता हूं आपका h, h का स्केयर, k का स्केयर प्लस में l का स्केयर और नीचे लिख देंगे हम a का स्केयर, नीचे लिख देंगे हम a का स्केयर, और इस फार्मूले का जो यूज होना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई इसी टाइप से और का भी बोल सकता है 1-2 का अगर आपसे बोले, हालांकि आपको पता ही है कि अब बस आपका एज लेंथ अलग अलग कर देनी आपको, अगर टेट्रागोनल का बोले कि टेट्रागोनल का बता दो भाई क्या फार्मूला बनेगा, तो हमें अभी अभी पता है कि टेट्रागोनल के लिए तो आपका ये दो तो सेम हो जाएंगी ना, a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब अगर इसके लिए फार्मूला लिखना तो क्या लिखोगे, 1/k² 1/d², d बोले तो डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो किसके इक्वल भाई, एच का स्केयर और यहाँ पे देखो एच प्लस के का स्केयर लिख दो, है ना, एच प्लस के का स्केयर और इसके नीचे लिख दो एल ए का स्केयर प्लस में, प्लस में आपका और क्या बोल सकता है भाई यहां से, एल का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, लिख लोगे ना ये चीजें, समझ लोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब फाइनल जो फार्मूला हमारे पास आता है क्यूबिक के लिए वो लिख लेते हैं, कि अगर आपका है ना एच के एल हो, एच के एल हो, ये बेसिकली मिलर इंडिसेस रहे हो, क्यूबिक सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो उसके लिए जो आपका डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है आपका ए, देखो ए का स्क्वायर होता वैसे तो, अब इसको फाइनली लिखेंगे ए, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपके एज लेंथ है, ए बोले तो आपका एज लेंथ हो जाएगी, है ना, क्योंकि क्यूबिक के लिए तो एज लेंथ बोलेंगे, और नीचे आपने लिख देना है यहाँ पे है ना एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर और प्लस में आपका एल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैम में जो क्वेश्चन आए वो इस फार्मूला पे डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे थे, इस फार्मूला से रिलेटेड थे, तो फॉर जैम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या भाई आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT जैम पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि इससे नेट गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, इससे आपका नेट गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन, अब डिस्टेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन दूं मैं आपको यहाँ से, तो एक मिनट देखते हैं, ये तो आपका एंगल का है, है ना, ये भी आपका अलग कहानी है और ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी, तो एक क्वेश्चन वैसे दे देते हैं भाई समझने के लिए आपका, इसमें मैं आपको सोल्ट ट्रिक्स बता देता हूँ भाई, है ना, इसमें कुछ सोल्ट ट्रिक्स भी होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देख लो भाई, द वैल्यू ऑफ D111 है ना, ये मिलर इंडिसेस है, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज कितना देर का भाई आपका 3525, ये भी नेट का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे बताना भाई D333 का डिस्टेंस बताइए, आपको D33 बताना है, अगर 111 का डिस्टेंस आपका इतना है ये वाला,
और आपको 3-3 का डिस्टेंस बताना है। कैसे निकालोगे भाई इस क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, इससे अप्रोच मिल जाएगी, इससे कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो डी रहा होगा ना, इस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या नहीं है? डिस्टेंस तो है, हमारे पास ए नहीं है। तो ऊपर आपने ए किया, नीचे आपने किया, यहाँ पे क्या करोगे भाई आप? नीचे क्या करोगे है ना, वन का स्केयर प्लस में वन का स्केयर प्लस में वन का स्केयर, यही तो फार्मूला था, यही तो फार्मूला था आपका, ठीक है जी। डिस्टेंस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, कितनी भाई यहां से डिस्टेंस की वैल्यू ये है। तो यहां से इसके मल्टीप्लाई कर दो रूट थ्री से, जिससे कि हमारे पास क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा, जिससे कि हमारे पास क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। अगर अब मुझे D33 निकालना है, D33 निकालना है, तो ए की वैल्यू तो ये होगी भाई आपका, ए की वैल्यू तो आपका ये हो गई है ना। उसके बाद नीचे आप क्या कर दोगे है ना, थ्री का स्केयर, उसके बाद आपने फिर से थ्री का स्केयर, उसके बाद आपने फिर से थ्री का स्केयर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका इस डिस्टेंस का 1/3, इस डिस्टेंस का 1/3 आ जाएगी है ना। ये आपका 9 और 9 और 9 27 बनेगा। तो इसको 3√3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका 1/3 हो जाएगा। अरे भाई बच्चे भाग गए, समझ में नहीं आ गया, भाग क्यों गए भाई, समझ में नहीं आ रहा? इसकी जो वैल्यू आ जाएगी भाई आपका इसका 1/3, उसके बाद आपका 0, उसके बाद आपका 8 और उसके बाद 2, इस टाइप की कोई वैल्यू आएगी है ना। वेरी गुड तो नहीं कहेंगे, आशुतोष गलत है आपका, ऐसा नहीं होगा, बाई में 3 करना पड़ेगा। तो भाई इसका जो आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक है ना जर्नल रिलेशन बताई जा सकती है, वो आप याद रखिएगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वो ये है भाई, अगर आपके पास कोई डिस्टेंस हो है ना एच है ना एच के एल का है ना एच के एल का अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है, तो मान लो कि यहाँ पे अगर आपका ये दे रखा कि ये आपका 2H है, ये आपका 2K है और ये आपका 2L है ना। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना हो आपको, कि इसका डबल का डिस्टेंस निकालना हो, तो इसका जो आपका रहा हो तो 1/2 कर दो बस। सीधी सी बात ये कि आप कर दो 1/2 और क्या कर दो DHKL। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है D3H 3K एंड 3L, तो आप क्या कर दो यहाँ पे 1/3 कर दो, उसके बाद आप DHKL कर दो, क्या कर दो DHKL कर दो। अगर आपको यहाँ पे निकालना है मान लो किसका भाई है ना 3H है, 3H कर दिया मान लो, उसके बाद 3 ही आपका K कर दिया और उसके बाद 6L कर दिया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1/3, इसको भी आप क्या लिखेंगे 1/3, और डिस्टेंस ऑफ किसका, इसका डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली किसके लिए लिखना पड़ेगा भाई, तो इसको आप लिखोगे 1, इसके लिए भी लिखोगे 1 और इसके लिए लिखोगे 2, ये रहा। इस तरीके से निकाल लोगे भाई ऐसी बातें कभी आए तो, हालांकि इतना आता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इतना आता नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दें बेसिक साइंस के ऊपर, एक और क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन ले लो भाई, एक इसके ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ना। आपसे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए इंटर प्लेनर डिस्टेंस आपको बताना है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस आपको बताना, वो भी एंगस्ट्रॉम में, 4 किसके लिए ना, 1 दिस और दिस, ये मिलर इंडिसेस है ये, ठीक है। एच क्या है बेसिकली है ना, प्लेन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर विद लैटिस पैरामीटर, यहाँ पे आपको जो लैटिस पैरामीटर गिवन है, लैटिस पैरामीटर जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है भाई, वो आपका 4 एंगस्ट्रॉम गिवन है, क्या गिवन है, 4 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो बताओ भाई फटाफट से क्या रहा होगा। तो देखो यार सीधी सी बात है कि जो हमारा डी होता है 1 0 0 वो किसके कुल रहा हुआ, ए हमारा ये हो गया और नीचे क्या कर दोगे 1 का स्केयर प्लस में 0 का स्केयर और प्लस में 0 का स्केयर, सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, बोलिए समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, आ रही होगी यार, ऐसी बात तो नहीं है, पूरी कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो बिल्कुल आएगी। उसके बाद भाई अगर आपसे इंटरप्लेनर एंगल पूछे ना, उसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है, हालांकि काफी एडवांस हो जाएगा लेकिन फार्मूला हमें जरूर पता होना चाहिए। अगर आपसे कभी इंटरप्लेनर एंगल आपसे पूछे, इंटरप्लेनर एंगल के दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल्स रहेंगे वो, तो उसके लिए फार्मूला होता आपका कोस थीटा के टर्म में निकालते हैं, वो आपका होता H1H2 प्लस में K1K2 है ना, उसके बाद आपका H1H2 K1K2 L1L2 और नीचे ये फार्मूला होता भाई, याद रखेगा, अंडर रूट, नीचे क्या आपका अंडर रूट, क्या लिख दोगे H1 का स्केयर प्लस में H2 का स्केयर, सॉरी H1 का स्केयर प्लस में K1 का स्केयर और प्लस में L1 का स्केयर, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में लिखोगे H2 का स्केयर
प्लस में के टू का स्क्वेयर प्लस में एल टू का स्क्वेयर। ये आपका एक फार्मूला होता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। आंसर आ रही है, वेरी गुड। काफी बच्चे तो भाग्य भाई, शायद उनको समझ में नहीं आई या वो रिकॉर्डेड देखेंगे आराम आराम से, कोई बात नहीं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं भाई बहुत ही आसानी तरीके से, द एंगल बिटवीन टू प्लेन रिप्रेजेंटेड बाई मिलर इंडिसेस दिस एंड दिस। तो ये आपको गिवन है, तो आपको देखो एच वन क्या हो गया, वन हो गया, के वन क्या हो गया भाई आपका, वो भी वन हो गया, और आपका एल वन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी प्रकार आपका एच टू क्या हो गया भाई, वन। इसी प्रकार आपका के टू क्या हो गया, वन। एल टू क्या हो गया, वन। बस फार्मूले में पुट करो और वैल्यू निकाल दो, और वैल्यू आप सभी को पता होगी, अगर नहीं पता तो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, आराम से निकाल लेना कोस थीटा की वैल्यू। कैसे करोगे भाई, ऊपर तो करनी थी क्या, एच वन एच टू है ना, क्या फार्मूला था, दोबारा देख लो भाई फार्मूला, एच वन एच टू के वन के टू एल वन एल टू। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जीरो। नीचे क्या करोगे, नीचे करना है आपका एच वन का स्क्वेयर वन है ना, उसके बाद के वन का स्क्वेयर वन, और उसके बाद ये, तो ये आपका आ जाएगा टू है ना। इसी प्रकार आपने क्या करना था, इनका तीनों का करोगे तो तीनों का आ जाएगा सिक्स, इसको जब आप सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका टू है ना, टू, और ये आ जाएगा आपका ये टू और ये है ना, ठीक है, सही है ना। इसको जब आप लिखोगे तो इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मुझे जहां तक आइडिया है, तो इसको आप रूट टू बाई रूट थ्री लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं है ना, ऐसा कुछ होता है क्या यार, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं लग रही मुझे, आप बता दो भाई, कैलकुलेशन इतनी तो आप भी कर सकते हैं। हाँ यही आएगा भाई, बिल्कुल सही, यही आएगा। और इसको जब आप निकाल के देखोगे कोस थीटा के टर्म में है ना, कोस थीटा के टर्म में भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप फॉर्मूला पुट कर करके देख लेना, तो ये 35 के करीब आएगी भाई। कितना आएगा एंगल, 35 आएगा, कितना आएगा 35, क्योंकि भाई देखो कोस 30 की वैल्यू हमें पता होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है आपका रूट थ्री बाई टू, मुझे याद है, मैं बता भी देता हूँ आपको है ना। 45 की होती है आपका वन बाई रूट टू है ना, याद है क्या, यही होती है। और 60 की होती है वन बाई टू, साइन के जस्ट अपोजिट होती है ना, साइन के जस्ट अपोजिट होती है, जो साइन की होती है उसके अपोजिट होती है, ये याद है मुझे है ना, ठीक तो है, बिल्कुल सही। और ये वाली जो होती है ये आपका होता है वन बाई टू। देखो साइन की तीन वैल्यूज होती है बेसिकली, अगर आपको कभी याद रखना पड़े, देखो साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, अगर जीरो डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और एक आपका 90 डिग्री होता है, तो ये जीरो पे तो जीरो ही होता है ना, जीरो पे तो ये जीरो ही होता है। उसके बाद ये आपका जो है 30 और लिख लो भाई यहाँ पे है ना, 60 नहीं पढ़ाया जाता आपको, चलो 30 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 30 पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, उसके बाद इसका 1/√2 कर दो, उसके बाद आप इसका 3√√3/2 कर दो, और 90 पे 1 होता है। कोस थीटा की वैल्यू जस्ट रिवर्स होती है, कोस थीटा की जस्ट है ना, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए आपका √3/2 होती है, इसके लिए आपका 1/√2 ही होती है, इसके लिए 1/2 होती है, और इसके लिए 0 होती है। ये वाली वैल्यू आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा भाई एक ये वाला क्वेश्चन और बता दो, तो मेरे हिसाब से अगर इतने मिलर इंडिसेस आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, अगर इतना आप मिलर इंडिसेस पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दें एक बार फटाफट से, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर, फटाफट से बताइए भाई इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बाकी कल हम ब्रैक्स लॉ पढ़ लेंगे तो वहां से आपको काफी क्लियरिटी आ जाएगी टॉपिक में। देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही बताएंगे, मिलर इंडिसेस फॉर द फ्लोइंग प्लेन इन बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस में आपको इनका बताना है कि क्या रहा होगा, फटाफट से बताएंगे। हालांकि भी मैंने आपको सीधी सीधी सी चीजें करवाई हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें करवाई नहीं है, और फायदा भी नहीं है ज्यादा कॉम्प्लेक्स करवाने का, नहीं तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी डी। अच्छा भाई कुछ बच्चों ने डी बोला है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, थोड़ा सा ध्यान दे भाई, देखो यार बीसीसी बोला, बीसीसी, अरे भाई बीसीसी बोला है, ध्यान दे लो, इंटरसेप्ट निकालो पहले, तो डी सभी का गलत है भाई, डी तो बिल्कुल गलत है, डी नहीं आएगा। अरे देखो चलो डिस्कस करते हैं, ये हमारी एक्स होगी, देखो मेंशन किया हुआ कि ये एक्स है
ये हमारी वाई हो गई वाई, और ये हमारी जेड हो गई जेड। इस प्लेन इसको देखो यहां से, ये कहां पे कट कर रहा है, ये कहां पे कट कर रहा है, 1/2 पे। ये कहां पे कट कर रहा है, 1/2 पे। एग्जामिनर बताएगा नहीं आपको, आपको पता होना चाहिए ये कहां पे कट कर रहा है, 1/2 पे। इस प्लेन को देख लो, बीसीसी की बात की जा रही भाई, बॉडी वाले की। इस प्लेन को देख लो यहाँ पे, इस प्लेन की अगर आप बात करोगे इंटरसेप्ट की, क्या जाएंगे आपका 1/2। बेसिकली आप a/2 बोलो इसको, a/2, उसके बाद 0 और उसके बाद 0, क्योंकि ये प्लेन आपका वाई के भी पैरेलल है और आपका जेड के भी पैरेलल है, ये वाला प्लेन आपका, ठीक है। अब देख लो भाई, इसके क्या निकाल लो, है इसके क्या निकाल लो, विसिस इंडिसिस निकालो। कैसे निकालोगे, ये और ये। अब इसके मिलर इंडिसिस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, इसको बेसिकली इन्फिनिटी इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, बोलना चाहो तो, ठीक है। अब इसका अगर आप निकालोगे तो 2 0 0, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके नेट गेट के, उठा लाएंगे हम तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो भाई इतनी अगर आप बातें याद रखते हैं तो काफी हद तक आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था भाई मिलर इंडिसेस का आइडिया, इसका यूज कैसे आएगा आपके क्वेश्चन में तो वह मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला, है ना। ब्रैक्स ला पढ़ेंगे कल, और कल आप मान के चलिए कि 90% आपका सोलिड कंप्लीट हो जाएगा, 90% सोलिड आपका कंप्लीट हो जाएगा कल, और बल्कि 100% ही मानिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैं। लेकिन फिर भी मैं एक सेशन और लूंगा इसके एक्स्ट्रा, और फिर मैं एक प्रीवियस ईयर का सेशन लूंगा जिसमें नेट गेट आपका सारे क्वेश्चन ले लेंगे। समझ में आ भाई मिलर इंडिसेस कुछ हद तक। चलिए भाई, आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते, तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो मैंने आपको करवाए भी है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।